हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता वर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल गार्डनिंग एंड लाइफ टिप्स बाय सुनीता वर्मा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक बहुत ही सुंदर और हार्डी प्लांट थुजा मोरपंखी या विद्या के बारे में है, जिसमें हम जानेंगे कि इस प्लांट को हम घर पर ही कैसे ग्रो करें, जिससे कि एक प्लांट लाने के बाद हम अपने घर में कई सारे प्लांट्स उगा सकें, और साथ ही इसकी केयर टिप्स के बारे में भी जानेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि बीजों से कैसे उगाया जाता है। वैसे तो मोरपंखी को जो है वो कटिंग से भी उगा सकते हैं, लेकिन कटिंग से जो इसकी सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम है, पर अगर हम इसे इसके बीजों से उगाए तो ये काफ़ी अच्छा हमारा ग्रो करता है, काफ़ी अच्छे खूब सारे एक बार में ही काफ़ी सारे हमारे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट के ऊपर फरवरी मार्च में फूल आने स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद इसमें जो है फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। तो जो इसके मेल फ्लावर है वो तो बाद में झड़ जाते हैं, बट जो फीमेल फ्लावर है उनसे फिर ये कोन जैसे स्ट्रक्चर बनता है, ये जो इसके बीज है, ये बीज दिखाई दे रहे हैं जो, ठीक है। तो और अगस्त सितंबर के आसपास जाकर ये इसके बीज पक जाते हैं। तो जब ये इसके बीज पक जाते हैं तो पकने के बाद इन बीजों को निकाल कर हम सुखा लेंगे। कोन जैसे स्ट्रक्चर है, फ्रूट नहीं बनता, इसमें कोन बनते हैं, तो फिर इसे निकाल कर हम सुखा लेंगे। जो प्लांट के ऊपर लगने के जब पकने से पहले हम इसे तोड़ लेते हैं पूरा सूखने से पहले, क्योंकि अगर ये हमारे पेड़ के ऊपर ही सूख जाते हैं ये, तो फिर ये चटक जाते हैं और इनमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं हम कि पहले ही उन्हें तोड़कर और फिर हम सुखा लेंगे। सूखने के बाद इसमें काफ़ी सारे बीज निकलते हैं, एक एक कोन में से 5-6 बीज हो जाते हैं, तो हम काफ़ी हमारे बीज इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, सुखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसे सुखाएंगे नहीं तो इसके ऊपर फंगस लग जाएगी इन बीजों के ऊपर, और हमारे ये बीज ग्रो नहीं होंगे। साथ ही हमने हम साथ के साथ नहीं उगा सकते, क्योंकि इन बीजों को हमें डोरमेंसी में रखना पड़ता है, ये डोरमेंसी पीरियड में होते हैं बीज, तो फिर उन्हें इसलिए हमें उन्हें कई महीने तक रखना पड़ता है। बीज बोने का जो ये मिक्सचर है ये हमें बहुत ही लाइट बनाना होता है। इसमें हम रेत, मिट्टी, नीम की खली और थोड़ा सा कोकोपीट मिलाते हैं, यानी कि मिक्सचर एकदम भुरभुरा होता है, जिससे कि इसमें बीज अच्छी तरह ग्रो हो जाए। और बस इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसके अंदर पानी ना रुके, नहीं तो इन बीजों में फंगस लग जाने के बाद फिर हमारे ये ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद है अगली बात ध्यान रखने की कि जो इसमें अब एक्स्ट्रा बीज बचते हैं, जितने हमें बीजों की ज़रूरत होती है उतने हम कोन तोड़ कर रख लेते हैं, उनसे बीज निकाल लेते हैं, बाकी सभी कोन हमें तोड़कर फेंक देने चाहिए, क्योंकि इससे जो है प्लांट की ग्रोथ पर असर पड़ता है अगर हम लगातार इसके ऊपर ये कोन लगे रहे। अब इसकी केयर की बात है फ्रेंड्स, वैसे तो ये एक हार्डी प्लांट है ना, जो जिन्होंने गार्डनिंग की शुरुआत की है वो इस प्लांट को आराम से लगा सकता है और अच्छी तरह ग्रो कर सकता है, लेकिन फिर भी हर एक प्लांट को केयर की तो ज़रूरत होती है ना। तो इस अब इसके लिए हमें क्या करते हैं कि बाहर जो पार्क में लगे हुए हैं पेड़ वो तो सारा दिन धूप में रहती है, लेकिन जब हम पॉट में प्लांट्स लगाते हैं तो उन्हें दो तीन घंटे की धूप और हल्का पानी सफिशियंट रहता है, और अगर इसमें पानी कम और या ज़्यादा हो जाए तो फिर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि जब हम ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं हमारे, जब हम इन्हें रिपोर्ट करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसकी सारी मिट्टी निकाल लेंगे गमले, छोटे गमले की, क्योंकि जब हम इसकी सारी मिट्टी निकाल लेंगे तो इसकी रूट ठीक रहेंगी। इन प्लांट्स की रूट बहुत ही गहरी जाती है, अगर हम ये सोचते हैं कि भाई चलो छोटे गमले में से प्लांट्स ऐसे ही निकाल लिए किसी किस चीज़ के साथ, स्पून के साथ या खुरपी के साथ, तो उससे उसकी जड़ें टूट जाती है, क्योंकि इसकी रूट जो है बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है। तो इसलिए क्या करूँगी मैं, तो इस गमले में की सारी मिट्टी निकाल कर और फिर उसमें से रूट्स समेत पेड़ अलग अलग करके छोटे छोटे प्लांट्स और फिर लगा लेंगे। ले
पकड़ी पकड़ी लिफाफा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे लास्ट ईयर के प्लांट हैं और इन्हें अब बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी मैं आगे अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तो फिर ये फिर बहुत अच्छी तरह ग्रो करेंगे। इसका आगे मैं बाद में दिखाऊंगी आपको भाई क्या इसका रहा। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने मोर पंखी के प्लांट को इसी तरह ग्रो करें, काफ़ी सारे प्लांट से बनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।